डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डेटा फ्लो टेस्टिंग, विच इज अ टेक्निक ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। और इस वीडियो में मैं इसको पूरे एग्जांपल्स के साथ सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करवाऊंगा, ताकि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम, इवन इंटरव्यूज में भी कुछ भी पूछ ले, आप इजिली और बेस्ट आंसर दे सको। तो इस फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इट इज वन ऑफ द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक। अब इसके अंदर हम लोग मेजरली दो पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हैं, और वो दो पॉइंट्स यहां पे आप नोट कर लो। यही पूरी की पूरी कहानी है डेटा फ्लो टेस्टिंग की। सबसे पहली चीज, हम उन स्टेटमेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं जिन स्टेटमेंट्स के अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन किया हुआ है। अब देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज करते हैं ताकि हम वैल्यू को स्टोर करवा सके। अब वो वेरिएबल्स को हमने कहां पे डिफाइन की है, कहां पे उनको डिक्लेयर की है, वो चीज हमें पहले तो फोकस करनी पड़ती है, उस चीज को पहले नोट करना पड़ता है। और दूसरी चीज, यहां पे हम उन स्टेटमेंट्स को फोकस करते हैं जहां पे वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं। बस दो ही चीजें, वेरिएबल्स को डिफाइन कहां पे की है और वेरिएबल्स को यूज कहां पे किया है, इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर जो है वो डेटा फ्लो टेस्टिंग वर्क करता है। तो यहां पे तीसरी लाइन में वही चीज हम कह रहे हैं, इट डिजाइन द टेस्ट केसेस। मतलब हम लोग टेस्ट केस डिजाइनिंग टेक्निक है, आपको ये तो पता ही है कि व्हाइट बॉक्स टेस्ट डिजाइन केस टेक्निक है। तो उसमें हम लोग क्या कवर करते हैं, कंट्रोल फ्लो पाथ को कवर करते हैं, और जिसके अंदर हम वेरिएबल्स को डिफाइन और उनके यूज को मेंशन करते हैं। अभी आपको एग्जांपल से इसकी और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो देखो, यहां पे हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया। पहली लाइन में हमने क्या किया, रीड एबीसी, तीन वेरिएबल हमने लिए, रीड किया एबीसी की वैल्यू, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन दिस प्रिंट, एल्स देन दिस प्रिंट। अब सिंपल सा यहां पे हमने कोड लिखा है। अब देखो, इसमें हमने अगर मेंशन करना हो, सबसे पहले तो हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, ए बी सी, इसके अलावा हमारे पास है एक्स, एक्स के अलावा हमारे पास है जेड, ठीक है, ए बी सी, एक्स और जेड, सबसे पहले हमने वेरिएबल लिख लिए। अब इनको हमने डिफाइन कहां की है और इनको हमने यूज कहां की है, किस स्टेटमेंट में, किस लाइन नंबर में, वो चीज हमें यहां पे लिखनी है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो देखो, ए को हमने डिफाइन कहां पे किया है, पहली स्टेटमेंट में, बी को पहली में, सी को पहली में, एक्स को देखो कहां पे यूज किया है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में देखो, मतलब यहां पे हमने एक्स को डिफाइन किया है, यहां पे कौन सी लाइन है, तीसरी लाइन के अंदर हमने एक्स को डिफाइन किया, और फिफ्थ लाइन में भी हमने एक्स को डिफाइन किया। जेड देखो कहां पे है, जेड की डेफिनेशन यहां पे कहीं भी नहीं है, तो जेड को हमने डिफाइन नहीं किया, तो नॉट अवेलेबल, इस तरीके से आप लिख सकते हो। देन यूज, अब देखो ए का यूज कहां पे कर रहे हैं, इफ के अंदर यूज कर रहे हैं ए का, और दूसरा हम लोग तीसरी स्टेटमेंट में ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, यहां पे हमने क्या किया, लेट्स सी, अगर मैं ए की वैल्यू को 30, 20 और 10 ले लूं, तो देखो 30 ग्रेटर देन 20 ट्रू है, ट्रू होगा तो ए की वैल्यू में एक बढ़ा देंगे, मतलब ए की वैल्यू 31 एक्स के अंदर असाइन कर देंगे। आई थिंक कोड तो सबको समझ में आ ही रहा है, बट यहां पे मेन फोकस है कि हमने एक्स ए को यूज कहां कर रहे हैं, ए को एक तो स्टेटमेंट नंबर 2 में यूज कर रहे हैं, और हम ए को कहां पे स्टेटमेंट नंबर 3 में यूज कर रहे हैं। ऐसे बी को देखो, हमने स्टेटमेंट नंबर 2 में और हम स्टेटमेंट नंबर 5 में यूज कर रहे हैं, तो बस वो चीज हमने यहां पे लिखनी है। सी को देखो कहां यूज कर रहे हैं, सी को हमने डिफाइन किया बट यूज कहीं नहीं किया, तो एक तरह से एनए लिख दो, मतलब नॉट अवेलेबल। देन एक्स, एक्स को हमने कहां पे डिफाइन किया है, कि यहां पे और यहां पे, यूज कहां कर रहे हैं एक्स को, ये लो जी प्रिंट कर रहे हैं हम एक्स की वैल्यू को फोर्थ नंबर लाइन में, तो ये हमने प्रिंट कर लिया। ऐसे ही जेड, जेड को हम कहां पे यूज कर रहे हैं, सिक्स नंबर लाइन में यूज कर रहे हैं, तो ये चीज आपने यहां पे टेबल बना लेना इस तरीके से, अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो ये हमने कहां पे डिफाइन किया, कहां पे हमने यूज किया, वो चीज हमने यहां पे लिख ली। अब फाइनली हमारे पास इसका क्या मतलब बन रहा है, इसकी क्या हमें एक्चुअल में एडवांटेज मिल रही है, तो एडवांटेज देखो इसकी क्या है। सबसे पहली चीज, अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज्ड विद इन द प्रोग्राम, मतलब ये उन चीजों को एनालाइज करता है, वेरिएबल्स ऐसे जिनको हमने डिक्लेयर तो किया है बट यूज कहीं नहीं हुए। जैसे आपका इस एग्जांपल में देखो, हमने यहां पे वेरिएबल को डिफाइन किया बट यूज कहीं नहीं किया, तो लेट्स से अगर हम सी की बात करें, तो सी को हमने डिफाइन कर दिया बट कहीं भी पूरे प्रोग्राम में यूज नहीं किया, तो वो हमें पता लगा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। देन अ वेरिएबल दैट इज यूज्ड बट नेवर डिक्लेयर, मतलब वेरिएबल को यूज कर रहे हैं
डिक्लेयर किया ही नहीं, जैसे जेड है वेरिएबल को यूज कर रहे हैं सिक्स नंबर लाइन में लेकिन डिक्लेयर किया ही नहीं। तो ये सारी चीजों को एनालाइज करके यहाँ पे बता रहा है। ऐसी अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड मल्टीपल टाइम्स बिफोर इट इज यूज, जैसे यहाँ पे हमने एक्स को देखो मल्टीपल टाइम यहाँ पे डिफाइन किया उसको यूज करने से पहले, तो आप इसको भी इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। और फाइनली डी एलोकेटिंग अ वेरिएबल बिफोर इट इज यूज, मतलब वेरिएबल को हम यूज करने से पहले डीएलोकेट कर दिया, उसकी मेमोरी हमने वापस ले ली। तो इन चीजों को फोकस करता है डेटा फ्लो टेस्टिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा फ्लो टेस्टिंग। थैंक यू।